निर्दोषों को फंसाना है, अगर उस बच्ची को इंसाफ दिलाना है तो दोषियों को पकड़ो। आज हमें कोई पुलिस रोके, कोई अवाम रोके, हम नहीं सुनेंगे। हम अपनी लाशें हम उधर मरेंगे। आज मीडिया बिकी हुई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन सिंह। हम दोनों ही आज कठुआ कांड को लेकर जो बड़ी बड़ी अपडेट आई हैं, जो इस पर काफी कश्मकश दौर चल रहा है, उसको लेकर बात करेंगे और कई गुत्थियों को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे आपके सामने। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाइट, जो उन्होंने हाल ही में महिला सुरक्षा को लेकर कहा है। उन्होंने कहा है साफ साफ कि जो भी राक्षसी प्रवृत्ति का होगा उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेटों को जिम्मेदारी दो और बेटियां अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। सुनिए जरा क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। और जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा, मैं देख रहा था पूरा मंडप तालियों से गूंज रहा था, तालियां बंद नहीं हो रही थी। ये दिल्ली में ऐसी सरकार है जो आपके दिल की आवाज सुनती है और निर्णय करती है, तब जाकर के दिन ये देश स्वीकार करती है। और मैं कहना चाहूंगा, हम परिवार में बेटियों को सम्मान देना सीखें, हम परिवार में बेटियों का महत्व बढ़ाएं और परिवार में जरा बेटों को जिम्मेवारी सिखाना भी शुरू करें। अगर बेटों पर जिम्मेवारी सिखाना सीखेंगे तो बेटियों को सुरक्षित करना कभी कठिन नहीं होगा। और इसलिए जो बेईमानी करेगा, जो भ्रष्ट आचरण करेगा, राक्षसी कार्य करेगा, वो तो फांसी पर लटक जाएगा। तो चलिए, ये बात हो गई पीएम मोदी की। चौतरफा घिर रहे हैं कठुआ और उन्नाव कांड को लेकर, और ऐसे में अब उनका ये बयान, वाकई उनके जोश, उनके हाव भाव आपने देखे होंगे किस तरीके से उनका जो जोश नजर आ रहा था, साफ साफ लग रहा था थोड़े से परेशान हैं जिस तरह से वो घेरे जा रहे हैं इस मामले को लेकर। खैर, अभी बात करते हैं। मैंने एक प्रोग्राम किया था कंचन, और उस पर एक निदा हिंदुस्तानी है, उन्होंने एक कमेंट किया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी थोड़ा सा फोकस करें। निदा हिंदुस्तानी ने कहा है कि मैम, बच्ची ने वो कपड़े पहले भी पहने होंगे और पहने, फोन सबके पास है, वही चेहरा वही कपड़े पहनकर सेम कंडीशन तो लगती है, और आपने अपने बच्चों के पिक सब लेते हैं। ये फैमिली के लोग भी वायरल कर सकते हैं, क्योंकि बच्ची होती थी, छोटी थी, लोग इमोशनल हो गए और जब ढूंढी जा रही थी तो फोटो लेकर ही लोग ढूंढ रहे होंगे, तो पिक वायरल हो गई होगी क्योंकि बच्ची एक हफ्ते से गायब थी। ये एक्चुअली कंचन मैंने प्रोग्राम किया था कि आखिर बच्ची की जो फोटो है वो वायरल कैसे हो गई और किसने फोटो क्लिक की मौका वारदात पर, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं प्रेरताओं की फोटो सामने नहीं आती है। और ये जो वीडियो हमने अपने प्रोग्राम में चलाया था जिसकी हेडलाइन ये है कठुआ केस बना सबके पहले पहली, तो जो वीडियो हमारे पास जो आया था हमारी जो एजेंसी है उसकी तरफ से, इस पर भी जो मैम लोग हैं उन्होंने कमेंट किया है। फाइका शफी है, उन्होंने कहा है सी इज नॉट परी, और एक और उन्होंने फिर से कमेंट किया है कि ये झूठ है, ये वो बच्ची नहीं है। इसके अलावा लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब बच्ची नहीं है ये, तो मतलब जो वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं बच्ची गा रही है, वो असल में परी नहीं है जो कि कठुआ कांड की शिकार है। क्या लगता है कंचन आपको, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं और इसमें बच्ची को जो लेकर जो मैंने प्रोग्राम किया उसकी तस्वीरें, आपको क्या लगता है, क्या वाकई जैसा उन्होंने कहा है निदा हिंदुस्तानी ने कि लोग इमोशनल हो जाते हैं फोटो क्लिक करके ही ढूंढ रहे थे? जाहिर सी बात ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी मौका है वारदात पर किसने ऐसे फोटो क्लिक की, ये भी तो अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। पहले मैं अपने दर्शकों से ये कहूंगी कि किसी भी ऐसी वायरल फोटो को आप जब आप तक आती है उसे वायरल प्लीज मत कीजिए, क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी का सवाल होता है और ये कोड ऑफ कंडक्ट के बिल्कुल ही उल्टा होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब मैं आऊंगी आपके सवाल पे कि देखिए, एक वायरल होना आजकल हर चीज, आप देखिए अगर आप कुछ भी पीएम मोदी का बयान अगर कुछ ऐसा आया है तो उस पर इतना वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ईजी सोर्स ऑफ वायरल, एक इजी सोर्स है सब चीजों को वायरल करने का। देखिए, रही बात इस बच्ची की जिसको हमने काल्पनिक नाम दिया है परी, देखिए जब मौका वारदात में यह भी कहा गया, जो परी ने कुर्ता पहना है, फ्रॉक पहनी है, फ्रॉक और सलवार थी, वो ही जब परी की डेड बॉडी मिली वो ही पहना हुआ था, तो सवाल यहां पे ये उठता है कि किसने फोटो खींची उसकी उस टाइम,
जब एक दिन पहले क्या कहा गया कंचन कि कंचन मैं आपसे ये एक फोटो सामने आ रही है जैसे बकायदा बच्ची बैठी हुई है ठीक है, वो तो फोटो पहले से सामने आ चुकी है, हमने दर्शक को बकायदा गूगल पे दिखाया भी कि अभी भी वो फोटो अवेलेबल है साइट पे जी। दूसरी फोटो है कि बच्ची उल्टी पड़ी हुई है जंगल में, लेकिन वो जो फोटो है वो फोटो बकाये वारदात की है जबकि उसको उसका सर्च ऑपरेशन किया जा रहा, लेकिन वहां पे फोटो किसने क्लिक करके भेजी ये दिमाग में नहीं आ रहा किसने, क्या वाकई आरोपियों का काम है या वाकई वहां पर किसी ने इस चीज को भड़काने के लिए काम किया है, कुछ ऐसा है? देखिए भड़काने पे देखिए हम इस पे कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते कि ये भड़काने का काम किया गया है या आरोपियों का काम है, अगर ये आरोपियों का काम होता तो वो कभी ये नहीं बोलते कि हमें सीबीआई जांच करानी है। यानी आप आरोपियों को डिफेंस कर रही हैं? डिफेंस नहीं कर रही, लेकिन अगर ये आरोपियों का काम होता तो वो कभी ये नहीं बोलते कि मुझे ये सीबीआई जांच करानी है, और ना आरोपियों में इतनी हिम्मत होती कि वो फोटो खींच के फिर वो वायरल करते। चलिए आपने बात की सीबीआई जांच की, तो सीबीआई जांच को लेकर वैसे भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और दीपक खजूरिया जो कि आरोपी है और इसके अलावा जो और भी 8 आरोपी हैं उनको लेकर भी लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर सीबीआई जांच को लेकर इतनी कशमकश क्यों है? एसआईटी की चार्जशीट पे सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं, खड़े होने बनते भी है। पहला सवाल, 5 सवाल है कंचन जो जहन में उठते हैं, देवस्थान पे रेप होना जबकि वहां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि 3 गांव के पास चाबियां हैं और 3 दरवाजे हैं, कैसे रेप हो सकता है जबकि वहां सुबह शाम पूजा पाठ होती है, ठीक है, टेबल के अंदर बच्ची को रखा, नीचे बच्ची को रखा गया, टेबल में बच्ची कैसे आ सकती है? तीसरा, सांझीराम के घर के सामने बच्ची को बरामद किया गया, सांझीराम खुद क्यों फंसाएगा खुद को? और तीसरा सवाल यह है कि चौथा सवाल यह है कि अगर वहां पे बकरवाल समुदाय से उनकी दुश्मनी थी तो वो अचानक से क्यों अभी गए? पहले से दुश्मनी है, अगर मेरी आपसे अनबन है तो कभी कभी तो जग जाहिर होगी वहां पे, तो यहाँ पे चीज समझ में। और विशाल जंगोत्रा जो कि उस वक्त जब ये कांड सामने आया तो वहां पे पढ़ाई वो एग्जाम दे रहा था, तो चार्जशीट में इसको क्लैरिफाई क्यों नहीं किया जा रहा? और मुफ्ती सरकार को आखिर सीबीआई से जांच कराने की प्रॉब्लम क्या है? देखिए सीबीआई से जांच कराने में मुफ्ती सरकार को देखिए मैं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ उनके घर वालों को, उस बच्ची जिसको हमने काल्पनिक नाम दिया है परी, उसके पापा ने साफ तौर पे कोर्ट में कह दिया था कि हमें सीबीआई जांच नहीं करानी, और शुरुआत में तो बात कही थी सीबीआई जांच की लेकिन उन्होंने कोर्ट के सामने साफ मना कर दिया, मैं पुलिस के काम से सेटिस्फाइड हूं, मैं बिल्कुल पुलिस के काम से। लेकिन एक बात यहां पर ये जरूर उठती है, क्या उनके माँ बाप दबाव में बोल रहे हैं कि पुलिस के, क्योंकि 3 चार्जशीट गायत्री जी 3 चार्जशीट बदली गई और पोस्टमार्टम बिल्कुल रिपोर्ट में दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, दो पोस्टमार्टम एक ही अस्पताल के 2 डॉक्टर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 देते तो वाकई ये चीजें सवालों के घेरे में आना लाजमी है। और रही सीबीआई जांच की बात, सीबीआई जांच में आरोपी कह रहे हैं हमारी सीबीआई जांच कराइए। देखिए मैं ये जरूर कहूंगी कि दोनों पक्ष सुने जाए, यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई रेप हुआ है तो आप जो आरोपी है उन्होंने ही रेप किया। देखिए कहीं ना कहीं अगर कोई सीबीआई जांच की बात कर रहा है तो एक बार कंचन कुल मिलाकर ये है कि चलो एसआईटी की जांच हो गई जी, 5 सवाल उठ गए जो मैंने आपको बता दिए, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर सीबीआई जांच करवा भी देंगे तो क्या इसमें क्या ब्रेज क्या है? अगर मान लीजिए प्रद्युमन हत्याकांड आपको अच्छे से याद होगा, एसआईटी ने भी इसकी जांच की, फिर इसकी सीबीआई ने भी जांच की, तो यहाँ जब सीबीआई जांच की और आप यहाँ देखिए ना, आरोपी खुद मांग कर रहे हैं नार्को टेस्ट कराओ भाई हमारा और हमारी सीबीआई जांच कराओ, अभी वहां बकायदा हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर लो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट, तो ऐसे में सीबीआई का जांच अगर हो जाएगी तो दिक्कत क्या है? लेकिन सीबीआई की जांच से मिलेगा क्या? देखिए अब सब कुछ धुल चुका है, सीबीआई की जांच तब होती जब चीजें बिल्कुल ताजा होती, ऐसा नहीं कह सकती आप कंचन, कभी कभी छोटा सा सबूत मुजरिम को पकड़ा सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भूल चुका है, लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है कुछ तो है जो छुप, जिसकी भी पर्देदारी है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आरुषि का मामला आपको याद होगा, आरुषि के मामले में, लेकिन हम आरुषि से कठुआ कांड को नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते, लेकिन देखिए मैं आपको एक सीबीआई जांच पे एक चीज बता रही हूँ कि अगर आप प्राइमरली अगर सबूत आपको मिल जाए, खून के धब्बे, बच्चों की, देखिए डॉक्टर्स होते हैं जब पोस्टमार्टम होता है कई तरह से फेजेस से वो शरीर गुजरता है, जो एक पीड़ित का शरीर है वो बहुत फेजेस से गुजरता है, उसके बाद उसमें काफी बदलाव भी आ जाते हैं, इतने दिन बॉडी रखी जाती है, फिर अब तो दफना, अब आगे आप देखिए ये भी सुनेंगे कि बॉडी को दोबारा रिकवर किया जाए, ये मैं कहीं पढ़ रही थी उसमें ये आया था कि बॉडी को दोबारा रिकवर किया जाए, कि बॉडी में जो खून है, जो बाल मिले हैं, उसको दोबारा मतलब जांच के लिए सैंपलिंग होए। तो देखिए बहुत चीजें ऐसी हैं, अभी बहुत कश्मकश है, बहुत चीजें उलझती जा रही हैं। और आपने जो बात की कश्मकश की, लेकिन इसमें एक खत भी सामने आया है, मैंने सुबह दर्शकों को खत भी पढ़ के बताया था, इसमें एक चीज मैंने नोटिस की, पूरी बात तो चलिए एक साइड हो जाती है, एक बात नोटिस की, सांझीराम की बेटी का बयान, सांझीराम की बेटी का कहना है या पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि आरोपी सांझीराम की बेटी का दावा है कि लड़की के माता पिता की मौत हो गई थी और उसके नाम संपत्ति छोड़ के गए थे, इस मामले में जायदाद ही विवाद की जड़ है क्योंकि हाल ही में
लड़की के घर को भी जला दिया गया था। बाद में लड़की का कहना है कि इस मामले में 236 लोगों के बयान पर भी क्या शक किया जाएगा। क्या लगता है कि क्या इसके पीछे कुछ और भी है, संपत्ति भी हो सकता है, जबकि तो ये कहा जा रहा है कि वो तो पशुओं की बिक्री पे निर्भर करते थे और बकरवाल समुदाय गरीब गरीब घर से बिलोंग करती थी और उनके लिए तो पशु ही रोजी रोटी का सहारा है। अब तो वो शायद कठुआ छोड़कर चले भी गए, तो चले गए हैं और उनका कुछ पता भी नहीं है। संपत्ति कहां से आ गई? संपत्ति वही, ये चीजें वायरल है, मैं आपको फिर से बताऊंगी गायत्री जी, ये चीजें वायरल है। लोग 36 लोग है, 36 मुंह है, सब बातें कहेंगे, लेकिन असली वजह लोग 36 मुंह है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ सानी राम की बेटी कह रही है इसलिए इसको बेटी कह रही है। देखिए सबको अब अपने पक्ष में किसी ना किसी को सब कुछ बोलना पड़ेगा। यही बेटी वो कह रही थी कि अगर मेरा बाप आरोपी निकला तो फांसी की सजा दी जाएगी, फांसी की सजा दें। लेकिन अब वो बेटी ये कह रही है कि मेरा बाप आरोपी नहीं है, मेरा बाप ने कुछ नहीं किया। तो ये भी तो दोनों उन्हीं का बयान है। और अपराधी में तो बहुत अंतर होता है ना, आरोपी और अपराधी में देखिए ज्यादा अंतर नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, आरोपी तो अभी वो हैं, अपराधी भी वही हैं, दोषी आप कह सकते हैं, दोषी अपराधी आप कैसे कह सकती हैं, क्योंकि कंचन आरोपी और आखिर हम इसमें उलझना नहीं चाहेंगे कि आरोपी अपराधी में। कुल मिलाकर ये जो संपत्ति को लेकर भी जिक्र किया गया है कि आके सानी राम की बेटी का साफ साफ कहना है कि यहाँ पर संपत्ति को लेकर उसकी उसकी हमने भी बताया था, उसकी बात सुनी, खुद कहा है उसने कि 3 महीने से वीडियो गायब था, अब अचानक से मीडिया क्यों आ गया, वहां पर धमकी दी बताया कि जम्मू कश्मीर ने कदम मत रखना। क्योंकि जब ये खबर मीडिया में आई तो तभी मीडिया जब ही तो आएगा, पहले से अगर किसी को प्रिडक्शन हो जाता कि वहां पर ये चीज हुई है तो मीडिया तभी भी आता। ये मैं सांझी राम की बेटी को एक मैसेज देना चाहूंगी कि मीडिया पे ब्लेमिंग ना करें, लेकिन मीडिया का लचर रवैया है। हाँ, बिल्कुल, देखिए वो गोदी मीडिया का है, ये गोदी मीडिया का नहीं, 10 जनवरी का केस है, कम से कम एक तो राष्ट्रीय मीडिया को वहां पे जाके कवरेज करनी चाहिए थी, लेकिन वहां पे नहीं गया ना। लेकिन जब वहां पे बीजेपी नेताओं का जिक्र हुआ, लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा का जिनका इस्तीफा लिया गया, उसके बाद से वापस सियासत गरमाई और फिर मीडिया में चर्चाओं का विषय बना। ये आपको सोचना चाहिए कि उस वक्त 2 महीने केस अब क्यों नेशनल मीडिया कवर कर रहा है, ये भी नेशनल मीडिया इसलिए कवर कर रहा है कि उसे हो सकता है जानकारी पहले ना हो, जानकारी नहीं है, या तो आप उसमें कुछ और नहीं रहे हैं। नहीं, बात बिल्कुल आप सही कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गोदी मीडिया जो है वो इसको दबाने की भी कोशिश कर रही है। आप ये देखिए, आप जानती हैं सुधीर चौधरी जी न्यूज के संपादक हैं, उन्होंने तो यहाँ तक ये कह दिया था कि उस बच्ची का बलात्कार हुआ ही नहीं, बाहर उसको हत्या की गई और अंदर मंदिर में फेंका गया, तो वो भी इसे एक सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। देखिए तरह तरह के लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हम तो अपने दर्शकों से यही कहेंगे किसी भी अफवाह पे आप भरोसा ना करें, जब तक आपके पास तथ्य ना हो, जब तक आपके पास फैक्ट ना हो, आप किसी भी चीज का भरोसा ना करें। बात का जिक्र कर दिया गया कि देवस्थान से रेप हुआ था। हाँ, ये तो बिल्कुल, ये तो हमने अभी अपने दर्शकों को बताया कि देखिए फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से हमने आपको खबर दी, हमने किसी के और के हम सोर्सेज हम नहीं बताते, हम बाकायदा आपको ये बताते हैं कि जिस सोर्स से हम आपको खबर दे रहे हैं हम वो बताते हैं, हम कोई बनावटी खबर नहीं बताते। एसपी न्यूज खासकर कोई बनावटी खबर आपको नहीं देता। जी वो तो बात सही है कि हम बनावटी खबर नहीं देते, क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को हर चीज से रूबरू कराते रहते हैं, लगातार अपडेट भी बताते रहते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे कई ऐसे सवाल हैं कंचन, बिल्कुल, जो कमेंट के जरिए हमें प्रोग्राम पे लोग अपनी राय दे रहे हैं, बकायदा हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं, मैंने भी बकायदा उनसे कमेंट मांगे हैं कि कमेंट बताइए आके हम आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, सरकार तक आपकी बात को लेकर जाते हैं। लेकिन इसमें सवाल ये है कंचन कि सीबीआई जांच, चार्जशीट पर 5 सवाल और इसके बाद सांझी राम की बेटी का बड़ा बयान, संपत्ति को लेकर बहुत सी ऐसी पेचीदगियां हैं जो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है। और आप दैनिक जागरण की रिपोर्ट का हवाला ले लीजिए, जो कि इतना जाना माना अखबार है, बच्चे के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, ऑनलाइन से लेकर फ्रंट पेज पर खबर पब्लिश कर दी, उसके बाद हटा लिया और उसके बाद फिर से वही खबर डाल दी। तो इसमें कहीं ना कहीं उसमें कहा गया कि 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और ये हवाला दिया गया, तीसरी बात ये कही, ये दूसरी बात ये कही गई कि इस केस को कई बार ट्रांसफर किया गया, मतलब कि इस केस को कई बार जांचा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे मीडिया, मैं ये नहीं कह रही कि मीडिया यहाँ पे किसी का समर्थन कर रहा है या जो एसपीएन 9 न्यूज किसी का समर्थन नहीं करता है, लेकिन सवाल यहाँ पे खड़ा होता है अगर 2 पक्ष देखे जाए तो इसमें आरोपियों का पक्ष भी सुनना पड़ेगा। बिल्कुल सुनना पड़ेगा, लेकिन आप एक चीज देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं गायत्री, लेकिन जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है अगर आप देखेंगे कि उसमें कई ऐसे सैम्पलिंग्स हैं जो बच्ची के, जिसको हमने नाम दिया है, मैं बार बार कहूंगी जिसका हमने नाम दिया है परी, काल्पनिक नाम है, उसके सैम्पलिंग से मैच कर रहे हैं, ब्लड मैच कर रहा है, बाल मैच कर रहे हैं, बाकायदा जो उसके नाखून से सैंपल लिए गए वो भी मैच कर रहे हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं, ठीक है मैं मानती हूँ आरोपियों का भी पक्ष सुनना चाहिए, लेकिन अगर आप के खून के कतरे उस बच्ची के जिस्म पे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं शक का घेरा तो उन्हीं पे आएगा ना,
किसी ना किसी बात पे तो पुलिस ने उनको अरेस्ट किया होगा। कभी कभी तो तकनीक खापी खामियां भी बिक जाती हैं आपको, ये सारी बातें भी आपको पता होगा। खैर हम इस पे केस पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अभी ये केस बहुत ज्यादा पेचीदगियों में फंस रहा है और ऐसे में जिस तरह लगातार इस पे यू टर्न आ रहे हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो लगातार हमारे जहन में आ रहे हैं, हमारे जहन में आ रहे हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कठुआ कांड से जुड़ी कोई और बड़ी जो ऐसी कोई बात है जो आपको कश्मकश में डाल रही है, आपको लगता है कि अभी इस पर मीडिया ने फोकस नहीं किया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। हम जरूर कोशिश करेंगे, फोकस करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे में हमारी कठुआ कांड पर ये खास प्रोग्राम था, कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार। निर्दोषों को फंसाना है, अगर उस बच्ची को इंसाफ दिलाना है तो दोषियों को पकड़ो। आज हमें कोई पुलिस रोके, कोई अवाम रोके, हम नहीं सुनेंगे। हम अपनी लाशें हम उधर मरेंगे। बाल मीडिया बिकी हुई है।